नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स हेल्पलाइन चैनल में। आज हम आए हुए हैं दिल्ली के सेंट्रल सेक्रेटरिएट विनय मार्ग ग्राउंड पे, जहाँ पे अंडर 14, अंडर 16 और गर्ल्स के एसडी प्रीमियर लीग के दिल्ली ट्रायल्स हो रहे हैं। और यहाँ पे वो बच्चे हैं जो अंडर 14 के ट्रायल्स दे चुके हैं। इन बच्चों से बात करेंगे, पूछेंगे कि इनका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे और किस तरीके का इन्होंने अनुभव यहाँ लिया है। बच्चे, आपका नाम? मेरा नाम पुलकित है। यहाँ पे खेल की हमारी कमियों पे हमें वर्क करने का एक हेल्प मिल गई। पुलकित, कितने एज है आपकी? मेरी 12। कितने टाइम से खेल रहे हो क्रिकेट? 2 ईयर्स। 2 ईयर्स से। तो यहाँ आप लोग आए हो, कैसा लग रहा है आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा? हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और यहाँ पे हमें तरह तरह के दिल्ली के कोचेस मिल रहे हैं और सारे हम जिनसे हम सीख ले रहे हैं। तो टिप्स क्या दी कोचेस ने आज, क्या सुधारने को कहा है? आज हमें कोच ने सुधारने का बोला है कि हमारे बॉलिंग एक्शंस कैसे से होने चाहिए, उनके हमें बॉलिंग ऐसे डालनी चाहिए, हमें कहाँ पे टप्पा रखना चाहिए। तो आप लोग जब खेल रहे हैं तो क्या क्या सोच के लग रहा है कि कौन सिलेक्ट होगा? आप सिलेक्ट होंगे? कैसा रहा आपका ट्रायल? ट्रायल तो अच्छा रहा, पर मेरे को थोड़ा डर है कि मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा। तो कोच ने आपको कुछ बताया कि कैसे करना है? ने मेरे को मेरा एक्शन और रनअप ठीक करने के लिए बोला। तो बच्चों को यहाँ काफ़ी टिप्स भी मिली हैं जिससे कि खुश हैं। इनके कोच हैं जिन्होंने इनके ट्रायल्स लिए, उनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। हेलो सर, कैसा लग रहा है बच्चों को देख के, कैसा जोश है बच्चों में? बच्चों के अंदर तो हमेशा क्रिकेट को लेकर बहुत जोश रहता है इंडिया के अंदर। आज जो ये बच्चे अंडर 14 के हमारे मेरे पास थे, बहुत इनमें टैलेंट, बहुत गुंजाइश है। इनको अगर थोड़ा समय और इनके ऊपर टाइम लगाया जाए तो बहुत इम्प्रूवमेंट के चांसेस तो रहते हैं। और अभी क्योंकि इस उम्र में बच्चे काफ़ी रॉ होते हैं और इनकी छोटी छोटी कमियों पर अभी से काम करेंगे तो फिर ये कमियाँ कैरी नहीं करते, तो काफ़ी इनके अंदर गुंजाइश है अभी। और बहुत इसमें अच्छे लड़के भी मेरे को देखने को मिले हैं जो कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग रेगुलर खेल रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे जो अभी उतना नहीं खेल रहे लेकिन वो रेगुलर अगर आएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली वही खेला। SDPL ने कराया, उनका क्या स्टेप समझते हैं किस तरह के बच्चों के लिए? SD यू स्पोर्ट्स फाउंडेशन जो है, मैं इनके साथ पिछले 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और वैसे मैं इनको 5-10 साल से लगभग जानता हूँ। तो बड़ी एक जो ग्रुप है ये बिल्कुल डेडिकेटेड है क्रिकेट को लेकर, और भी गेमों के अंदर इनका बहुत योगदान रहता है लेकिन क्रिकेट को लेकर के तो ये लोग जिसे कह सकते हैं ना कि ये ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं। तो ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बच्चों की ये खुशकिस्मती मैं बोलूँगा। इसके बाद जो लीग होगी उसमें इनको पूरा मौका मिलेगा और उसके बाद मेरे को 100% यकीन है कि आज जो ये है उससे कहीं बेटर मेरे बन के निकलेगा। बिल्कुल। तो बच्चों, कैसा आप लोगों ने फील किया आज यहाँ आने के बाद? अच्छा लगा। अच्छा, आगे क्या सोच रहे हैं कि लीग खेलने को मिलेगी तो क्या तैयारी है? अच्छी तैयारी करेंगे बॉलिंग डालने की और बैटिंग करने की ताकि अच्छा प्लेयर बन सके। अच्छा, आप लोगों को पता है कि ये जो लीग के सिलेक्शन है आपकी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे है? किस तो आप लोग इंडिविजुअल लेवल पे किस तरीके से अपने पे काम करने की तैयारी कर रहे हैं? हम तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी बॉलिंग का एक्शन थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए। हमें ना जैसे सर बताते हैं वैसे हमें रखना चाहिए और बैटिंग में हमें ज़्यादातर डिफेंस खेलना चाहिए टेक्निक। बिल्कुल। तो बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन इनमें ज्ञान बहुत है और टैलेंट बहुत है और इन बच्चों ने यहाँ प्रूव भी किया और बहुत अच्छे से इन्होंने ट्रायल्स दिए हैं। इन बच्चों को काफ़ी उम्मीद है कि ये इस लीग में आगे अच्छा खेलेंगे और यहाँ के जो कोचेज हैं उन्होंने भी बताया कि किस लेवल के बच्चे हैं और इनको थोड़ा सा गाइडेंस मिले तो ये बहुत अच्छे लेवल पर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ SDPL में वो बच्चे हैं जो अदर स्टेट से आए हैं और यहाँ ट्रायल्स दे रहे हैं, हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली से और कहीं भी अलग अलग स्टेट से आए हैं, फैजाबाद वगैरह से। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है। बच्चे, आपका नाम? संकल्प। संकल्प, कैसा लग रहा है खेल के आप? सर, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को खेल के। हम लोग को मतलब ये खेलने के लिए प्लेटफॉर्म मिल रहा है अच्छी तरह। अच्छा, कौन से स्टेट से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ, झज्जर डिस्ट्रिक्ट। झज्जर से आए हैं तो वहाँ कितने समय से आप क्रिकेट खेल रहे हैं? मैं झज्जर में 2 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अच्छा, तो अभी दिल्ली आए हैं SDPL के ट्रायल्स, ये कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से मिले? राजस्थान से। आप? राजस्थान। आप तीनों एक ही जगह से या अलग अलग जगह? एक ही जगह। तो कैसा लगा यहाँ खेल के? अच्छा लगा। और कैसा मतलब कोचेस कैसे देखने को मिले ट्रायल्स? अच्छा, तो आप लोग इतनी दूर से आए हैं यहाँ तक आए हैं, क्या सोचते हैं कैसी रहेगी अगर लीग में? बहुत अच्छा लगेगा।
मज़ा आएगा आगे खेलने का। आइए इनसे और भी बात करेंगे। और इनके जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो SGPL को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उनकी कमेटी के मेंबर हैं, उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम? सर संदीप चौहान है, मैं SDU स्पोर्ट्स फाउंडेशन में एडवाइज़र हूँ। और मैं इस Under-16 ट्रायल जो विनय मार्ग चाणक्यपुरी में आयोजित किया जा रहा है, इसको मैनेज कर रहा हूँ। और आई होप कि जो भी मेरे साथ बच्चे अदर स्टेट से हैं, और जैसा कि हमारे साथ स्पोर्ट्स से सर हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं, तो मेन जो मैं बोलना चाहूँगा कि हम किसी भी स्टेट में जाते हैं, बहुत आजकल का टाइम ऐसा हो रहा है कि लोगों के अंदर विश्वास नहीं है। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि बेटा आप यहाँ पर आए हो हमारे साथ, आप इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को ऑब्जर्व करो कि हाँ ये SD स्पोर्ट्स फाउंडेशन क्या है, आप लोगों को क्या प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्या डिफरेंट दूसरों से क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ें जो आपको लग रही हैं वो आप हमारे साथ शेयर करो, कोई प्रॉब्लम हो वो बताइए। संदीप जी, आज ट्रायल्स हो गए, अब इन बच्चों के रिजल्ट्स कब आएंगे और इनका किस तरीके से आगे लीग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा बताइए। आज जब भी जो भी सारे बच्चे आए हैं उन सबको ट्रायल्स लिया गया है, बैच नंबर दिए गए हैं, सबको बताया गया है, परफॉर्मेंस कुछ और भी है। कुछ शॉर्टली हम दो एक दिन में सभी की एक लिस्ट बनाएंगे जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और उनको फिर उस 25 यही कमिंग जो 25 से मैच स्टार्ट करेंगे। सभी के तीन तीन मैच होंगे इस लीग में, तो तीन तीन जो मैच मिलेंगे, सिलेक्शन जो कर रहे हैं वो किस तरीके से प्रोसेस है आपकी, इन बच्चों को रजिस्ट्रेशन कैसे करने है? इसमें सर जो रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एक ऑफलाइन फॉर्म दिया हुआ है जो आप हमें भर के व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप ऑफिस भी हमारा फॉर्म में हमारा ऑफिस एड्रेस दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखी है, और हमारी वेबसाइट भी दे रखी है, फेसबुक पेज दे रखा है, यूट्यूब पेज दे रखा है, आप हर जगह पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और आप जब टूर्नामेंट लीग के लिए खेलेंगे तो आप भी सेम प्रोसेस से इलेक्ट्रॉनिक से आप हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आगे खेल सकते हैं। बेटा आप कहाँ से आए? हैदराबाद। जैसे सर ने अभी बताया कि इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस और आ सकते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके की लीग रहने वाली है? हमारे हम सबके लिए बहुत अच्छी रहेगी, प्रयास करेंगे बहुत अच्छा करें। फैजाबाद में कितने टाइम से खेलना है? फैजाबाद से हम 2 साल। 2 साल से खेलना है। आप कहाँ से? राजस्थान। राजस्थान से हैं, सेम अकेडमी से हैं? हाँ। अच्छा, तो आप लोग सेम अकेडमी से हैं, कैसा लगा कोचेज ने क्या बोल के भेजा था? कोच हम बिना अकेडमी से हम वैसे खेलते हैं। अच्छा, अपने तरफ से खेलते हैं। तो कैसा लगा जब प्रोफेशनल्स के बीच में खेला? बहुत अच्छा लगा, सर मोटिवेट भी कर रहे थे हमें बीच बीच में। अच्छा, कुछ सीखने को भी मिला? यस सर। अच्छा, ये एक और बच्चा है, इसे पूछेंगे आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। आप दिल्ली से हैं, ये बाहर से आए हैं, कैसा लगा बाहर वालों को? इनके साथ खेल के बहुत मज़ा आया, इनके साथ हमारी प्रैक्टिस भी हुई, हमारी जो हमने प्रैक्टिस करी है, हमने जितनी भी हमने अकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे थे, इनके साथ हमारी जो हमने प्रैक्टिस करी वो हमारे साथ सारी वो। आप कितने सालों से खेल रहे हैं? 7 ईयर्स। 7 ईयर्स से, 7 साल से आप खेल रहे हैं दिल्ली में, कैसा लग रहा है SGPL का एक्सपीरियंस कैसा रहा? SG जो फाउंडेशन है, मैं इनको बहुत हम पहले से टाइम से जानते हैं, हमारी SG अकेडमी भी हम अकेडमी यहीं पर करते थे पहले, तो सर हमारे बहुत अच्छी हैं और सर के साथ हमारा बहुत अच्छा। तो आज जहाँ आप अकेडमी सीखते थे वहीं पे ट्रायल्स किया है, तो कैसा लगा पिच पे? उसी में पिच पे प्रैक्टिस करके बहुत मज़ा। तो ये वो बच्चे थे जो अदर स्टेट से आए हैं और यहाँ ट्रायल्स किया और उनका सिलेक्शन हुआ। इन्होंने बताया कि किस तरीके का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे सिलेक्ट होते हैं खेल के, और इनके जो एडवाइज़र कमेटी के मेंबर हैं उन्होंने बताया कि प्रोसेस ऐसा है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, और इनकी वेबसाइट है उस पर आप जाके विज़िट कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि ये पूरा एक जो प्रकरण है पूरा प्रोफेशनली लेवल पे BCCI के रूल्स के तहत फॉलो करके किया गया, जिसमें कि इन्होंने एक बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिकेट का मंच देने की एक तैयारी कर ली है। धन्यवाद।